देख बेटा तू अब विधवा हो चुकी है, कैसे जिंदगी कटेगी? कट जाएगी। क्या जिनके पति नहीं होते वो जिंदगी नहीं काटते? नहीं कट। मुझे भेजने के बाद आपको कौन देखेगा? बहुत अच्छा एक लड़का देखा है आपने, मेरा लड़का भी देख लिया। तुम नहीं भड़का रहे मेरी माँ को? ठीक है, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और आज भी करती हूँ और मरते दम तक करूंगी। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, और यहाँ पे आने की मैं आपको वजह बता देता हूँ, मतलब जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होती हैं ये सारी चीज़ें और सारी बातें बतानी आपको। यहाँ पे जो आंटी बैठी हुई हैं, इनके बेटे को गुजरे हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं दुनिया छोड़े हुए, और इनके बेटे की शादी को 1 साल हुआ था। टोटल 9 महीने चली थी शादी, और 3 महीने से मतलब आपके बेटे की कैसे हुई थी डेथ? कैसे हुई थी? एक्सीडेंट से हुई थी। और यहाँ पे जो ये लड़का बैठा हुआ है ना, इसका यहाँ पे ना कोई रिश्तेदारी है, ना इनके बेटे को जानता था, ना इनको जानता है, तब भी यहाँ पे बैठा हुआ है। इनको सपोर्ट करने के लिए आया है या फिर इनका मजाक मस्ती उड़ाने के लिए आया है, मुझे भी नहीं पता लग रहा। इनकी जो बहू है ना भाई, उसके साथ शादी करना चाहता ही है। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे कोई आइडिया नहीं है। सच बताऊँ मैं बोलूँ कि हाँ भाई मुझे सब पता है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ मैं आ भी नहीं रहा था, सच बताऊँ। इस भाई को मेरे घर का एड्रेस दिया है किसी ने, जो हमारा नया घर है, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, मिलते रहते, तो उनमें से किसी ने पूछ लिया होगा या इसने किसने बताया, ये उसका नाम नहीं बता रहा। डेली घर के नीचे भाई प्लीज़ मेरी मदद कर दो, जब भी घर से आ रहा हूँ, कोई भी आ रहा है जा रहा है, ऊपर वाले नीचे वाले के भाई प्लीज़ एक बार अजय भाई को बुला लो, ऐसे ऐसे करके बहुत बारी हो चुका। तो बंदा लास्ट में भी इरिटेट हो जाता है कि भाई आप कितनी बारी घर आओगे, क्योंकि हर टाइम ज़रूरी नहीं है ना कि मैं यही लाइफ जी रहा हूँ, कभी कभी घर वालों के साथ भी होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, चलते हैं आज देखते हैं। तो उससे पहले मैंने इससे ये पूछा कि जिस लड़की के साथ तेरे को शादी करनी है उसकी सास के साथ तूने बात करी है? तो इसने बोला कि मैंने 1-2 बारी ट्राई किया है, बट वो मान नहीं रही। और इनका मानना भी ठीक है, ये भी अपनी जगह पे ठीक है कि भाई अभी 3 महीने मेरे बेटे को दुनिया छोड़े हुए हैं, तो मैं मान कैसे जाऊँ शादी करने के लिए? और ये चाहता है कि मेरे को शादी करनी है, और मैं इससे शादी से पहले ही प्यार करता था, मतलब बहुत सारी कहानी है इसकी। अब भाई एक बारी आप बताओ, समझाओ क्या चाहते हो, क्योंकि इसमें कोई मेरा लेना देना है नहीं। आप शादी करना चाहते हो उनकी बहू के साथ, और सास यहाँ पे बैठी हुई है उनकी, आपस में आप बात करो, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया था कि दोस्त आपने मेरे को देखो बता रखा, मैं तो बोल रहा हूँ आप यहाँ पे आके बैठो और आप इनको बताओ, इनको समझाओ, क्योंकि मैं समझ गया, आप इनको बताओ और इनको समझाओ। देखिए देखिए, आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है, मैं इनको इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आप थोड़ा भरोसा करें मेरे ऊपर। मैं भरोसा करती हूँ, लेकिन ये है कि अभी मेरे बेटे को गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुझसे पूछो मुझे कितनी तकलीफ। देखिए मैं आपकी तकलीफ को बहुत अच्छे से समझता हूँ, और आप अपनी बहू की तकलीफ को समझ रही हैं? मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा, अभी टाइम ही कितना हुआ मेरे बेटे गए हुए, 3-4 महीने हुए। इसका कोई टाइम का क्या लेना देना? मैं अभी घर वालों से बात करूंगी, पड़ोसी लोग क्या कहेंगे ये तो सोचो जरा, अभी सब कुछ कैसे ठीक होगा? देखिए आप मेरी एक बार आप मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। आप कितने दिन पहले, 1 साल हुआ है इनकी शादी को, और वो भी पूरा 1 साल नहीं हुआ, और मैं इनसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ, बहुत पहले से, जब इनकी शादी नहीं भी हुई थी। मैं अभी शादी नहीं करा सकती, मेरा बेटा अभी गए हुए 3-4 महीने हुए हैं, ये सोचो कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, मैं कितनी परेशान हूँ, मेरा बेटा कितना प्यार करता था मेरी बहू से, मेरी बहू भी बहुत प्यार करती है, अभी सबसे बात करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होता है, कोई भी रिश्ता यूं ही बन जाता है क्या? बात करनी पड़ती है, बहू को राजी करना पड़ेगा, परिवार को बात करनी पड़ेगी, तभी तो कोई बात होगी।
ऐसी शादी हो जाएगी? देखिए मैं ये सारी बात समझता हूँ। अभी तुमने मेरे अभी तुम तुमने अपने माँ बाप से बात की कि तुम एक लड़की से शादी करना चाहते? अभी बात की? मैं उनसे बात करूंगा लेकिन कब? मैं उनको क्या बोलूंगा? कितने साल हो गए तुम्हें इसको पसंद करे हुए? 3 साल हो गए। 3 साल में तुमने एक बार भी बात की? बात मैं उनसे ही नहीं कर पाया तो एक तरफा क्या बात करता मैं अपने माँ बाप से? लड़की से बात ही नहीं की अभी तक, तुम अचानक आ गए। हमें कैसे पता कि तुम प्यार करते हो? हमें कैसे पता? देखिए हमारी बहू कितनी परेशान है अभी इस समय, मैं उसके मैं लिए क्या करूं? पहले शास्त्री नगर में रहता था, जब मुझको पता लगा ये दिलशाद गार्डन में रहती हैं तो मैं अपना घर छोड़कर वहां पे नहीं सोचा कि वो शादीशुदा है, तुम वो सब छोड़ के यहां आ रहे हो? वो सब शादीशुदा नहीं थी, मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, मैं उनसे तब से प्यार करता हूं जब उनकी शादी नहीं हुई थी और तब मुझे मौका नहीं मिल पाया, मुझे कुछ पता भी नहीं लगा कि उनकी शादी कब होगी। मैं अभी शादी नहीं करा सकती। हाँ मैं अपने घर वालों से बात करूंगी, बेटी बहू के घर वालों से बात करूंगी, तब कोई बात होगी। देखिए मैं आप मैं बहू क्या को आप पहले एक बार उनको उनको बुला सकते हैं क्या, बात कर सकते हैं उनसे यहाँ पर प्लीज? ठीक है बुला के बात करती हूँ मैं। देखिए क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है और ये तुम्हें भी मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरा। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी सारी बातें समझ क्या रहा हूं। समझ रहे हो क्या समझ रहे हो? मेरी बहू से शादी करने आए हो, तुम जानते हो कि 3-4 महीने हुए मेरे बेटे को गए हुए, कितना दुख है हम लोगों को। अभी मैं शादी के लिए मंडप सजा दूं, घर के किसी से बात ना करूं? किस तरीके की बात करें बताओ, कैसे खुश हो जाएं? थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करो, उसको अपनी बहू को भी राजी करना पड़ेगा, हर तरह से बात करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप उन कितना 1 साल नहीं हुआ है उनकी शादी को और तो ये हो गया, ये भी सोचो कि 1 साल नहीं हुआ है। मेरी बहू अभी 4 महीने पहले विधवा हो गई है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है? ये चाहता है कि आपकी विधवा बहू के साथ इसको शादी करनी है, ये उसको सहारा देना चाहता है कि दुनिया वाले आपकी बहू पे गंदी नजर ना डालें, आपकी बहू को उल्टा सीधा ना बोलें, क्योंकि आपको पता है कि जितने मुंह होते हैं ना उतनी बातें होती हैं। ठीक है बेटा, लेकिन मेरे को भी यही पता है कि कम टाइम हुआ है इसलिए मैं आप दोनों के बीच में नहीं बोल रहा। इसने मुझे बोला कि मैंने आंटी को 3-4 बारी समझाया है अकेले में ये वो, तो इसको यहाँ पे बुलाने का सिर्फ रीज़न ये है क्योंकि ये भी मेरे घर पे डेली आ रहा था आंटी। ठीक है तो मैं भी परेशान हो रहा था और कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो रहे थे, समझ रहे हो आप? मैं तो परेशान हो ही रही कि डेली आपके घर पे आएगा तो पड़ोसियों को कुछ अलग सा ना लगे कि भाई बहू घर पे जवान बहू अकेली है और ये आ रहा है, समझ रहे हो? बेटा यहाँ से जा चुका है। आप रो मत ना, परेशान मैं अभी कैसे सब कुछ, इसीलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था, बस मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ उसके दिमाग में जो वहम है ना, ये वहम दूर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आप तो मान नहीं रहे हो बट ये चाहता है कि मैं आपकी बहू के साथ बात करके उनको मनाऊँ। मेरे को भी पता है कि ये टाइम इस टाइम ये वाली बातें करने का नहीं है, अगर आपकी बहू का भी हो सकता है कि माइंड इसके साइड आ जाए या फिर या तो मना हो जाए कहेंगे तो अभी शादी थोड़ी ना कर रहे हैं, अभी शादी थोड़ी ना कर रहे हैं आंटी। एक बार आप बात तो कर सकते हैं क्योंकि आप एक काम करो, इसके लिए आप एक काम ये करो कि आप अपनी बहू को फोन करके यहाँ पे बुलाओ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट इसका जो दिमाग में कीड़ा पड़ा हुआ है ना, आपको परेशान करने का, मुझे परेशान करने का और दिन रात आपके घर के आसपास घूमने का, वो मिट जाए कम से कम। आपको ना दुनिया वाले गलत ना बोलें क्योंकि ये तो अपनी जगह सही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही है। मेरा बेटा यहाँ से जा चुका है, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं मेरी बहू बहुत परेशान हो गई। कोई नहीं आप रो मत आंटी, अब क्या कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके घर के आसपास डेली घूम रहा है तो लोग कितनी बेइज्जती हो रही है, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी बहू को देखो, इसके पैर तो हम रोक नहीं सकते, समझ रहे हो, नहीं रोक सकते ना कि भाई तू मत जा तो ये डर के मारे नहीं जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। गली मोहल्ला है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये डेली आएगा तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई बहू का कुछ चक्कर वगैरह चल रहा है, समझ रहे हो? कुछ ऐसा भगवान ना करे ऐसा ना हो, और इसकी नीयत में भी ऐसा कुछ है नहीं, ये चाहता है कि मैं उसको सहारा दूँ।
तो उसके लिए आप अपनी बहू को यहाँ पे बुलाओ, उसके साथ बात करते हैं, समझती है तो ठीक है, नहीं तो इसको एक जवाब तो मिल जाएगा हाँ या ना में, ठीक है। आप अपना फ़ोन उठाओ, एक बारी बहू को बुलाओ भाई, बहू को बुलाने की यहाँ पे मतलब कोशिश करते हैं, और सच ये कि हाँ ना आज इसको मिल जाएगी, कम से कम फ्री हो जाएगी आंटी भी, क्योंकि ये बंदा सच में बहुत पागल हो चुका है, मेरे घर के बाहर, आंटी के घर के बाहर मतलब घूमता रहता। सौ टेंशनें होती हैं, सौ बातें बन सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पे बहू को बुला रहे हैं। आंटी फ़ोन मिलाओ आप, तो बहू जब यहाँ पे आएगी, आप वीडियो को देखना एंड तक, हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में, जो होगा सो होगा, अच्छा है बुरा आप हमें। मम्मी जी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी बेटा। तो बात तो घर में भी हो जाती ना, चलो घर चलो। बेटा घर में परेशान क्यों लग रही हो आप? घर में बात नहीं हो सकती है, देख मोहल्ले पड़ोस वाले होते हैं, कोई बात करो तो तुरंत परेशान कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? देख बेटा तू अब विधवा हो चुकी है। मुझे पता है मैं विधवा हो चुकी हूँ, पर आपको मैं ये चाहती हूँ बेटा कि बस तू आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, विधवा हो गई है ये वो, तू अकेली कब तक रहेगी? आपको क्या हो गया, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, कब तक रहूंगी मैं, जब तक जिंदगी कब तक रहूंगी? नहीं बेटा ये बात ठीक नहीं है, आपको पक्का किसी ने कुछ कहा है? पड़ोसी ने गलत नजर डालेंगे। सोमिया आंटी ने तो कुछ नहीं कहा तुमने? नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम यहाँ क्यों बुलाई हो मुझे, ऐसी कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? मैं ये चाहती हूँ बेटा कि बस तू अब शादी कर ले। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? मैं इसलिए कह रही हूँ बेटा कि ये दुनिया बहुत खराब है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मम्मी जी, बहुत खराब है। देख बेटा पड़ोसी खराब होने से क्या होता है, लोगों को खराब होने अच्छे होने से क्या होता है? गलत नजर डालेंगे। कौन गलत नजर डालने पे पूछो तो, क्यों नहीं जीने देंगे? तुझे नहीं जीने देंगे, तेरे ऊपर गंदी गंदी बातें करेंगे, क्या करेगी? आगे बहुत लंबी उम्र पड़ी है, कैसे काटेगी? अरे मम्मी जी मैं अपनी जिंदगी संभाल सकती हूँ, मैं आपको भी संभालूंगी। कह रही हूँ लेकिन जब बेटा आगे समय बढ़ेगा ना तब बहुत मुश्किल होगी। नहीं बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार नहीं करती हो, प्यार करती हो तो बेटे से करती थी ना, उससे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मैं देखती हूँ करती हूँ मुझसे प्यार, आप मुझे यहाँ से भेजने की कोशिश कर रही हो और अभी तो नहीं। बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तू बस सुखी हो जा। मैं सुखी हूँ, मैं अपने सुखी अपने पति के घर में हूँ, कहीं दूसरी जगह जाके मैं सुखी कभी नहीं रह सकती हूँ। और मेरी किस्मत के क्या, मेरी किस्मत का क्या भरोसा है, जब मैं मेरे साथ यहाँ हो चुका है तो दूसरी जगह मैं कैसे? ऐसा कुछ नहीं, किसी के साथ एक बार बुरा हो जाता है दोबारा थोड़ी होता है। आपने ऐसी बात सोची भी कैसे? दुनिया में बहुत नहीं, बुरे लोग रहते हैं। कुछ कहा है इसीलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैं चलिए घर चलिए, नहीं घर चलिए, कोई जरूरत नहीं ऐसी, और किसी ने आपको क्या कहा मुझे बताओ, मैं उसका सामना करती हूँ, मैं उससे बात करूंगी। कौन है तुम ऐसी बातें भेजी, आप किसकी बातों पे आ रही हो? पहले तसल्ली से मेरी बात सुनो। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। नहीं, आपने आज बहुत गलत बात कही, आपने मुझे बोला कैसे, मैं आप मुझे अपना कुछ भी नहीं समझती हो। समझती मैं बहू बहू होती है, बेटी नहीं हो सकती नहीं, कभी भी। बेटा ऐसी बात नहीं है। नहीं अगर आप मुझे बेटी समझती ना कभी इस घर से जाने की बात नहीं करती, और अभी तो तीन महीने भी नहीं हुए। अरे बेटा मैं जानती हूँ कि मुझे कितना तकलीफ है, मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ है, मेरा बच्चा चला गया। किसी ने बहका है? तुम घर चलो, मैं मुझे बताओ किसने क्या कहा आपको? मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। मैं बात करने के लिए मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे बात करने के लिए बुलाया है। जरा धीरे से शांति से सोच अपनी जिंदगी के बारे में, कैसे जिंदगी कटेगी? कट जाएगी। क्या जिनके पति नहीं होते वो जिंदगी नहीं काटते? नहीं कटती उनकी इज्जत के साथ। आप क्या करोगे, आपने अपने बारे में सोचा है? मैंने सोच लिया। मुझे भेजने के बाद आपको कौन देखेगा? मैं देख लूंगी अपने नहीं, आपको। मैंने आपके बेटे से बहुत वादे किए हैं। नहीं नहीं आपको छोड़ के कभी भी नहीं देख सकती। बेटा मैंने बहुत अच्छा एक लड़का देखा है। लड़का देखा? हाँ। आपने मेरे लिए लड़का भी देख लिया? हाँ। कैसे बातें कर रही हो मेरी? तो कैसे बातें कर रही हो? एक बार सुन। नहीं आप मुझे अपने घर से भगाना चाहते हो? अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप अपने बेटे के, आप बेटे के जाते ही ऐसे रूप बदल लियो? मुझे यहाँ से भेजना चाहती हूँ। मैं तेरा भला चाहती हूँ बेटा, मैं तेरा भला चाहती हूँ। कुछ भी भला नहीं चाहती हूँ। नहीं नहीं बहू बहू होती है, बेटी कभी हो नहीं सकती है, मैं समझ गई हूँ आज। नहीं होती बेटा, मैं देख पहले मेरी शांति से बात सुन। क्या सुनूं मैं? आप अच्छे से जानती हो, आपने ये बात अपने दिमाग में भी कैसे सोची? शांति से मैं यहाँ से चले जाऊंगी? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तू हमेशा इस घर की बेटी रहेगी। मैं बेटी होती तो आप जाने के बना के बिता कितनी बार बेटी बनूं मैं? एक बार डोली चढ़ के यहाँ आई और अब आप यहाँ से मुझे दूसरी जगह भेजना चाहती हो? भले के लिए भेजना चाहती हूँ? भले के लिए नहीं भेजना चाहती हूँ, आप मुझे सिर्फ इस घर से निकालना चाहती हूँ? नहीं, हम इस दौलत का क्या करेंगे, हम इस पैसे घर मकान का क्या करेंगे? आज है कल नहीं है बेटा,
तुझे कौन देखेगा, कौन संभालेगा? मैं खुद देख सकती हूँ अपने आप को। मैं आपको भी देखूंगी, खुद को भी देखूं। मैंने आपके बेटे से वादा करा है बेटा, वादा से जिंदगियां नहीं कटती, बातों से जिंदगियां नहीं कटती। आप मोहल्ले पड़ोस की गंदी नजर डालेंगे तो उसको जहाँ जाएगी वही गंदी नजर से देखी जाएगी। कोई गंदी नजर, आप एक औरत हो। हाँ तभी कह रही हूँ बेटा, मैं आपकी बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, सब समझो मुझे। कितना बड़ा पत्थर रख के मैं तुझे समझा रही हूँ इस बात को। कुछ भी नहीं समझा रही हूँ, समझ के आपको जरूर किसी ने बहकाया है, आप किसी के बहकाने में आ गई हो बस। आप ऐसी बात करने के लिए बहुत प्यार करती हूँ बेटा, मैं तेरा भला चाहती हूँ, मैं तेरा भला चाहती हूँ। समझती क्यों नहीं है? लोग तुझे जीने नहीं देंगे, परिवार वाले जीने नहीं देंगे। क्या करेगी, कहाँ तक लड़ेगी? मैं लड़ लूंगी, नहीं लड़ पाएगी। कमजोर नहीं हूँ, सिर्फ ये मेरे बारे में तो सोचो, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ, मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मैंने कभी तुझे अपनी बहू नहीं समझा, बेटी समझा, इसलिए सोच रही हूँ। मुझसे देख बेटा, देखो आप मेरे लिए ना मेरी माँ से भी बढ़कर हो। मैं अपने घर से जब निकली थी ना, बहुत बार मैंने बहुत कस्में खाई हैं और मैंने अपने पति से। क्या कस्में और वादों से जिंदगी कट जाएगी? कस्में वादे किए थे मेरे बेटे से, मेरे बेटे ने भी तो किए थे, लेकिन आज अनहोनी हो गई ना। लेकिन ये समझ के मोहल्ले वाले जीने देंगे? आपको मोहल्ले वालों की क्यों पड़ी है? मोहल्ले वाले खिलाते हैं क्या रोटी हमको? नहीं, मोहल्ले वाले खिलाते नहीं है बेटा। की बातें मत करो, आज की औरत हो बेटा, आज की भी औरत मतलब नहीं बनता। आज की मैं किसी औरत की होती है। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, ना ही मुझे कोई मोहल्ले वाले की परवाह है, ना ही मुझे किसी की गंदी नजरों की परवाह है। मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ, किसी की बुरी नजर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है मुझे, पड़ता आपको फर्क क्यों पड़ रहा है? पड़ता है जब मेरी बेटी को बुरी नजर से देखा जाएगा, मुझे पड़ता है। मम्मी जी मैं समझ चुकी हूं, आपके पास आपका बेटा क्या चले गया? आपने मुझे इस तरह का सोच लिया, 3 महीने भी नहीं हुए, आप ऐसी बातें कैसे कर रही हो? मेरा बेटा चला गया इसलिए तू मेरी बात नहीं मानना चाहती? नहीं माँ, आपकी बात हमेशा मानूंगा, पर आप ये बात मत कहो। नहीं बेटा, ये बात मत, मेरा बेटा चला गया ना, अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं तुझे बात करने, एक बार उस लड़के से बात कर। किस लड़के से? कौन लड़का है वो? ये कौन है? यही है, मैंने इस लड़के को बुलाया है। एक बार बात कर ले, एक बार बात कर ले, बैठ जा थोड़ी देर, देख ले, मिल ले। हाँ भाई, कौन है तुम? एक बार मेरी बात, क्या बात सुनू? हो कौन तुम? बस एक बार बात सुन लो प्लीज। एक बार बात सुन के तो देख क्या सुनाना चाहते हो, कहाँ से आए हो, नाम क्या तुम्हारा? अरे मेरे से क्या मतलब है तुम्हें? एक बार मेरी बात सुन। क्या सुनो, क्या तुमने मेरी माँ के दिमाग में क्या भर रखा है कि मुझे 3 महीने भी नहीं हुए, इनके बेटे को गए हुए, मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है, तुम्हारे साथ मेरी शादी कराना चाहती है? क्या बोला है तुमने इन्हें? मैंने इनको कुछ नहीं बोला है। मैंने, देखो मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूँ। कैसे जानता हूँ फिर? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। बता रहा हूँ ना सब। क्या बता रहे हो? तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब से तुमको जानता हूँ, तब से तुमसे प्यार करता हूँ। मम्मी यार मेरी ये बातों बिल्कुल मत जाने, मैं इसको नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी। मैं जानती हूँ बेटा। अरे मेरे जो बदनाम करना चाहता है तू? मैं जानती हूँ। देख बेटा, शांति से बात कर, तू अपने बारे में सोच, अपनी जिंदगी के बारे में सोच। मैंने अपने बारे में सब कुछ सोच रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे आपको देखना है, खुद को भी देखना है, ठीक है? मुझे किसी और घर में नहीं जाना है। और ये बंदा पता नहीं कौन है, कहाँ से आया, क्या क्या पट्टी पढ़ा दी है तुमने इनको? तुम्हारा नाम साक्षी है ना? हाँ साक्षी है। तो इसका मतलब तुम मुझे जानते हो? बहुत लोग जानते हैं मेरा नाम साक्षी है। कोई भी आके बोल देगा तुम्हारा नाम साक्षी है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मैं कह दूंगी हाँ। देखो मैं सब जानती हूँ तुम लड़के को, तुम ठीक है? मेरी सीधी सादी सास को तुम भड़काने की कोशिश कर रहे हो और मैं नहीं भड़क सकती। लेकिन तुम्हें समझ में आती कि यदि मैं विधवा हुई हूँ, मैं अभी 3 महीने पहले ही मेरा पति गुजरा है। विधवा होने से पहले, तुम्हारी शादी होने से पहले तुमको जानता हूँ और मैं ये सब बताना चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। एक बार बात तो कर, एक बार अपने बारे में सोच। क्यों? बेकार है तुम्हारी सारी बातें करनी। तुम जो भी हो ठीक है, मैं कहीं शादी नहीं करने वाली हूँ और मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ तो समझ भी नहीं सकता है। देखो मेरी बात समझो, मैं तुमसे
मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा बेटा, ये तुम्हें खुश रखेगा। और मैं बहुत पहले से चाहता हूँ तुमको। कब से चाहते हो? बहुत पहले से। तीन साल हो चुके। तीन साल से तुम मुझे जानते हो, मुझे चाहते हो, हाँ? और मुझे कुछ भी नहीं पता है तुम्हारे बारे में। पता पाया, इसीलिए आया हूँ। जब तुम्हारी पर मैंने तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी कभी। तो अब मैं नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ ना, मुझे मौका ही नहीं मिला ना कभी। तो अब मौका मिल गया है। जब मेरा पति अभी गुजरा है, है? हम कितने दुखी हैं दोनों, तो तुम यहाँ पर आ गए उठा के मुंह। दुख समझ सकता हूँ। अरे तुम दुख समझ सकते तो तुम ये बात ही नहीं बोलते। देखो मेरी बात का यकीन करो। तुमने ये सोचा कि बेचारी अभी दुखी है, ठीक है, माँ बेचारी अकेली होगी, जाके उसको कुछ पट्टी वट्टी पढ़ा लूंगा और हो सकता है बेचारी तुम्हारे घर चले जाएगी। मैं बेचारी बेचारी नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही है। मेरी बात का एक बार यकीन तो करो, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को सुनो तो कम से कम। मम्मी जी आप यहाँ इसकी बातों में बिल्कुल मत आइए। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती और ना ही मैं इससे प्यार करती हूँ। ये करता होगा मुझसे प्यार, ठीक है, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और आज भी करती हूँ और मरते दम तक करूंगी, ठीक है। और आपकी सेवा करनी है मुझे, इस घर में रहना है मुझे, बहुत कुछ करना है मेरे को। जरूरी नहीं है कि शादी करना ही। शादी करने के बाद भी तू इस घर की बेटी है ना? बेटी है ना? बेटी तो हुई नहीं, बेटी होती तो बेटी घर वालों ने मुझे जुदा किया। मेरे किस्मत में पति होता तो ये किस्मत में पति होता तो मां पति का सुख होता तो इतनी जल्दी में। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, रोते नहीं है बेटा। जल्दी मेरी जिंदगी इसमें ऐसे तेरा पति गया है तो मेरा बेटा भी गया है बेटा, ये तो सोच। अच्छा सुनो एक बार बात, कैसे करेगी सब सारी जिंदगी, कैसे संभालेगी अपने आप को? मैं कुछ नहीं देख जाती हूँ। देखो तुम जो भी खोना मेरी जिंदगी से चले जाओ, हम दोनों की जिंदगी से चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं जानती और ना ही कभी जिंदगी में यहाँ लौट के आना, मेरे घर के आसपास में मत नजर आना, समझे तुम? मैं तुमसे देखो बहुत मैं किसी प्यार व्यार को नहीं मानती हूँ। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ पति से प्यार करती हूँ अपने, ठीक है। और मरते दम तक उसी की हूँ और मैं नौकरी करूंगी, काम करूंगी, अपना घर चलाऊंगी, मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, तरस खाने की जरूरत नहीं है मुझमें। बोल दो इसको ये जो भी है चले जाएगा यहाँ से, और आप भी इन चक्करों में मत पड़िए। और आप भूल जाएगी मैं शादी करूंगी दूसरी, नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी, मेरी जिंदगी में शादी का सुख नहीं है माँ। होता तो नहीं होता ऐसा। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं राज से कितना प्यार करती थी। ऐसी बात नहीं है। ये क्यों आया? हमारा मजाक बनाने के लिए आया, तरस खाने के लिए आया, ये जो भी है। मैं कोई मजाक नहीं बना रहा हूं। आप इसकी बातों पे क्यों आ रही हो? ये तुमसे शादी करके तुम्हें खुश रखेगा बेटा। और तो मैं खुश हूँ, मैं अभी भी खुश हूँ। मेरा सब कुछ आज भी तेरा है, कल भी तेरा। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूँ। मुझे नहीं मौका मिला था, तुम्हारी शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं लगा था। यकीन करो मेरी बात का प्लीज। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम प्यार करते हो तो प्यार ना दोनों तरफ से होता है, कहीं एक तरफ से नहीं होता है। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, सिर्फ 3 महीने हुए मेरे पति को गुजरे हुए, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं 3 महीने में उसे भूल गई हूँ? और मेरा प्यार इतना कच्चा है उसके लिए? वो मेरा प्यार ही नहीं, मेरा पति भी था, मेरा सुहाग भी था और इनका बेटा भी था। कैसे आ गए तुम ना मुंह उठा के यहाँ पे? देखो जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। मैं समझ गई तुम बस यही समझे कि विधवा हो गई है, जल्दी से मेरे हाथ कोई और ना लेके चले जाए तो मैं ले आता हूँ। और मेरे सास को पट्टियां पढ़ा रहे हो तुम? कोई पट्टी नहीं पढ़ाई मैंने, जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ मैं। तुमको ये सब लग रहा है और गलत नहीं है, गलती नहीं है तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारी जगह शायद कोई और भी होता। वो बारे में सोचो, थोड़ा सा सोचो। तुम क्या सोचोगे अपने बारे में? सोचो क्या करेंगे लोग, अकेली रह के कब तक जिंदगी जियोगी? लोग तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल कर देंगे। नहीं हूँ माँ, तुम भी तो हो, मेरा घर है, मेरा परिवार है, माँ भाई बहन सब है। क्यों एक औरत को इतना कमजोर बनाते हो उसके पति के चले जाने के बाद? रोते नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, चले जाओ। ना ही मैं तुमसे किसी से प्यार करना चाहती हूँ दोबारा, और ना ही मुझसे दोबारा कभी प्यार होगा, ना ही मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगी। तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम अभी होश में नहीं हो, तुमको गलत लग रहा हूँ मैं। होश में मैं नहीं हूँ या होश में तुम नहीं हो? अगर तुम होश में होते तो ये समय ही नहीं था जो बात तुमने बोली है आज बोलने की। हमें सीधी सादी माँ को भी भड़का रहे हो भाई, उनके दिमाग में समझाओ ना। देखो मेरी बात ही नहीं समझ रही है ये कौन है अब बताओ, ये कौन है अब? बेटा ये बेटा ही है मेरा। ये भी बेटा है?
माँ मुझे समझ में नहीं आ रही, ये भी बुला रखा मेरे लिए? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, इसे बुला नहीं रखा, इसे बुला नहीं रखा। तो फिर कौन है ये, कौन हो आप? ऐसी बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? अरे भाई साहब आप कौन है ये बताइए मुझे, क्या चल गया रहा है यहाँ पे? ये पता लग गया कौन है? मैं नहीं जानती इसको, 3 साल से मुझे जानता है, प्यार करता है, शादी करने के लिए आ गया, मेरी माँ को भड़का रहा है, अब मुझे भी सोच रहा है कि मैं भड़कवा जाऊंगी इसकी। अब आप कौन हो, यहाँ चल क्या रहे मम्मी, मुझे कुछ तो बताओ आप यहाँ क्यों आए हो? ये भी ये मेरा बेटा ही है। सुन लिया? बेटा है? क्या बेटा है? आपका सिर्फ एक ही बेटा था। आप यहाँ पे बैठो ही क्यों बैठू मैं? तो लो बात तो सुनो, जैसी आप 2 मिनट बैठो। बहन जैसी? आप बहन ही हो मेरी, आप बैठो 2 मिनट। देखो आपके पति को छोड़े हुए 3 महीने हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ आपका दुख, आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बट ये ना आप जब घर पे नहीं होते हो ना, आप जब घर पे नहीं होते हो ना, तो ये आपकी सास के पास आता है हमेशा कि मुझे आपकी बहू के साथ शादी करनी है, हमेशा आके उनको समझाता मनाता बहुत कुछ। आपने तो मुझे कभी नहीं बताया। बेटा मैं समझ रही थी कि सारी बात हो जाए तब बात करूं। आप मुझे बताती तो सही ना कि कोई आपको ऐसा कह रहा है, मेरी बात मेरे बारे में पूछती तो सही। बेटा क्या तू चाहती है? कभी कभी तुम नादानी करती हो बेटा, तो नादान बच्चे को एक माँ का सहारा चाहिए होता है, इसीलिए मैंने अभी आप मुझे बेसहारा छोड़ रहे हैं, वो भी दूसरे आदमी के ऊपर छोड़ना चाहती हो? बेसहारा नहीं, तुम्हें सहारा दे रहे हैं। आपको कोई ऐसे नहीं कर रहा, आप बात तो सुनो, बात तो सुनो भाई की बात तो सुनो। अच्छा जैसे मैंने आपको बहन बोला तो मैं क्या आपको ऐसे बनावटी बहन तो नहीं बोल रहा ना, है नहीं बोल रहा ना ऐसे? आपने मुझे बहन बोला ना, आप ये बताइए अगर आपकी बहन हो सच में। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये कोई बात ही नहीं कर रहा। आप अपने पति से प्यार करते थे? करती हूँ। करते हो? अभी आपकी उम्र कितनी है, सच बताना, झूठ मत बोलना। 22 साल। आपकी शादी हो गई? हाँ। अभी जवान हो आप, आपको पता है विधवा लड़कियों को क्या कुछ सुनना नहीं पड़ता, पता है आपको? मैं बताऊं? बुरा लगेगा तो सॉरी बोल रहा हूँ पहले ही। सॉरी की बात नहीं, हमने भाई कहा, आपने मुझे बहन बोला ना। मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या सुनना पड़ेगा आगे जाके। आप विधवा हुए हो सिर्फ अपने लिए, दुनिया वालों के लिए नहीं। विधवा को पता है क्या क्या सुनना पड़ता है? आप जब आस पड़ोस से कुछ लेने के लिए जा रहे होगे ना, तो आपके पड़ोसी आने वाले टाइम में आपको ये बोलेंगे कि मेरे घर पे आ जा, आपके रिश्तेदार बोलेंगे कि तू मेरे घर पे आ जा। उनके घर बुलाने का मतलब ये नहीं होगा कि वो आपके साथ रिश्तेदारी निभाएंगे। पति ऐसा शादी क्यों करते हैं कि दुनिया वालों को पता लग जाता है कि ये शादीशुदा इसका ये पति है, यही होता है ना? मतलब प्यार के बाद यही होता है ना, शादी होती है ना, उसके बाद तो हम किसी और के साथ बात नहीं करते जो बात हम अपने पति के साथ कर सकते हैं, ऐसे ही होता है ना। अब सोचो अगर वो पति ना हो आपके पास, और मुझे ये अच्छे से पता है कि अभी 3 महीने हुए हैं, अभी कोई टाइम नहीं है, ये आपकी सास को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था तो इसलिए यहाँ पे आया। आप इसको हाँ या ना बोलो अपनी मर्जी से, मैं आपका दुख और दोनों दर्द समझ रहा हूँ, और ये सिचुएशन आप जो फेस कर रहे हो भगवान किसी को फेस ना कराए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए आपको एक पति की ज़रूरत है, और ये आपसे आपकी शादी से पहले प्यार करता है। आप लोगों ने जब शास्त्री नगर से दिलशाद गार्डन जब आए थे, जब भी आप लोगों के पीछे पीछे आया था कि क्या पता मैं इसको कभी बोल पाऊँ, इसको समझा पाऊँ। मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ और ना ही मैं शादी कर सकती हूँ, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है कि एक औरत विधवा हो जाती है तो विधवाओं की तरह जिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज के समाज के हो आप, मैं आपकी मॉडर्न जमाने के लड़के हो ना, कैसे कह सकते हो विधवा वाला सब?
मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको आने वाले टाइम में कोई मुश्किल जरूरी नहीं है एक पति का सर पे होना। पति मेरा था जो, तो वो तो मेरे सर पे है नहीं, मैं दूसरे इंसान को कैसे मैं पति मान लूं। साथ ही हूं, मैं आपको कोई ना कह रहा हूं कि मैं नहीं करनी है भाई, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। इसको बोलो ये जहाँ से आए और ये अपने आप को समझाए और अपने फ्यूचर में आगे बढ़े। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती, भूल जाओ इस सब को भी। और अगर तुम 3 साल से मेरे लिए जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। सामने वाले के बारे में जानो तो सही कि वो तुम्हारे लिए एग्री है कि नहीं है। कितना समय दोगे तुम मुझे, 3 साल, 4 साल, 6 साल दे दोगे? कभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं बेकार में इस इंसान के पीछे भाग रहा हूँ। क्योंकि मैं जिससे शादी करती थी, जिससे मैं प्यार करती थी, जिससे मेरी शादी हुई, वो चला गया इस दुनिया से, लेकिन वो मेरे लिए आज भी जिंदा है। और मैं हमेशा जब तक आप कम से कम मुझे समय हाँ तुम समझा दो इस लड़के को कि मैं नहीं कर सकती शादी, मेरे से ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, घर चलो यहाँ से। सुन लिया भाई, समझ लिया। कैसे इंसान हो, इनका बेटा अभी गुजरा है तुम। मैं तेरे को आने से पहले तभी मैंने हाथ जोड़े थे कि भाई उनके घर पे मत जा, उनको परेशान मत कर। तुम्हारे भी तो माँ बाप होंगे ना, भाई बहन होंगे। मेरे को परेशान मत कर, इधर इधर हो यार। तेरे को आने से पहले समझा रहा था ना कि भाई अभी कम टाइम हुआ है, क्यों परेशान कर रहा है। उसको नहीं करनी शादी, अभी अभी पति गया है क्या, वो अभी के अभी सारी हर 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती ना। जरूरी थोड़ी ना कि ये उठ के तेरे से शादी कर लेंगी। ये मैं तेरे को समझा रहा था, नहीं मुझे बात करनी है, मुझे उनको समझाना है, मैं मना लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अरे नहीं करनी, उसकी सास ने तेरे को बोला, मैंने तेरे को समझाया कि भाई ये गलत है। तू मेरे घर पर भी डेली आ रहा है कि प्लीज़ मेरी मदद कर लो, उनके घर पर भी जा रहा है। कोई बच्चा है यार, 3 साल से तू उसके पीछे लगा हुआ है। और ये जिसके साथ प्यार करती है कह रही मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, मेरे को सिर्फ उसी के साथ रहना है। तुम मेरे लिए अपना समय मत बर्बाद करो, तुम जो भी हो सामने से तेरे को खुद कह रही है वो लड़की कि तू टाइम अपना वेस्ट मत कर, 2 साल 4 साल 6 साल मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, अपना फ्यूचर देख, शादी कर। एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं ना, प्यार दोनों साइड से होता है ना। ऐसे तो है नहीं कि किसी के साथ भी राह चलते आप शादी कर लो या कुछ कर लो। विधवा है, विधवा का मतलब ये थोड़ी ना है कि 3 महीने इसके पति को गुजरे हुए नहीं हुए, वो किसी और के साथ शादी कर लेगी। वो कह रही है मैं पूरी जिंदगी विधवा रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, क्यों उसको जबरदस्ती मना रहा है? वो विधवा ही अच्छी है, वो खुद कह रही है। देखो ऐसा नहीं है कि विधवा को शादी करने का हक नहीं है, वो कर सकती है। आज के समाज में ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है। लेकिन मेरा मन नहीं है, ये बात समझो, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैं उसे भूल पाऊंगी, उसके प्यार को कभी भुला पाऊंगी, ये कभी हो ही नहीं सकता है। मैं जानती हूँ ना, मैं कैसे तुम्हारा समय बर्बाद करूँ या तुम्हें कैसे दिलासा दूँ उस चीज़ का। देखो लड़की अगर खुद औरत खुद कह देना कि हाँ मुझे करनी है तब तो ठीक भी है, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहती हूँ और मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी इस बात को एग्री। मैं क्यों तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूँ? और मेरी माँ अकेली है, इनको मैंने अपने पति से जाते वक्त ही एक वादा किया था, कसम खाई थी कि मैं बेटा का फर्ज निभाऊंगी। और आपको ये दुनिया समाज के क्या पड़े हुए कि दुनिया वाले नजर बुरी रखेंगे, ये करेंगे। आपको डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कमजोर नहीं हूँ कि कोई मुझे नोच खाएगा। उन औरतों में से नहीं हूँ मैं बेटा, मैं तो और आपका बेटा ये बहुत अच्छे से जानता है कि मैं उसके बाद भी मुझे कोई कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें कोई ऐसे बात कहता है ना तो मुझे खड़ा करना उसके आगे। ये कहाँ का रिवाज है? मैंने कहा होता, मैं परेशान होती, मैं दुखी होती कि मेरी लाइफ में अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मेरे को कोई और आदमी चाहिए, तो तुम्हें कभी ऐसा एहसास होता तो तुम बोलती कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है तेरी तरफ से, मैंने देखा कुछ ऐसा, मैंने तेरे बारे में ऐसा सोचा कि मेरी बहू। और ये तो देखो कि समय कितना हुआ है अभी, ये बातें तो करने लायक ये बातें करने का समय ही नहीं था। ये सब मेरा बेटा अभी गए हुए 3 महीने। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें हम सबको रुला के? आप क्या खड़े हो चुपचाप, कुछ है अभी? मुझे अभी सोच रहे हो कुछ? आपको रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी भी कहना चलो घर में।
कुछ है दिल में तो भाई बोल ले, बता दे अपने दिल में कुछ है तो। जुदा बोल दिया लेकिन वो नहीं समझना चाह रहे हैं। आने से पहले रोक रहा था ना, मैं बोल रहा था ना गलत है, मत कर, सुन समझ। नहीं इसने तो मुझसे भी बात नहीं कर, डायरेक्ट मुझसे बात करता ना तो मैं तो डायरेक्ट ही जवाब देती। तुमने तो बहुत अच्छा जरिया चुना, मेरे से हिम्मत नहीं हुई तो सिर्फ माँ से आके बात कर ली। हिम्मत थी लेकिन तरीका गलत था। क्या तरीका है सही, क्या तरीका कौन सा था? ये तरीका सही था, ये तरीका सही था। अब तो जवाब मिल गया ना तुम्हें, अब तो समय आगे बढ़ाओगे अपना। ये समय था तुम्हारे बात करने का, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, अब तो तुम अपना समय बर्बाद नहीं करोगे मेरे लिए। तुम पहले ही ये बात कर लेते ना तो पहले ही जवाब मिल जाता। और तुम ना अपने, तुम यहाँ आए किस लिए हो? शायद फ्यूचर पढ़ने, मुझे तो तुम पढ़ने वाले लग रहे हो। पढ़ने के लिए आए हो यहाँ पे? बोलो कुछ यार। तुम्हारी मम्मी पापा ने, परिवार वालों ने तुम्हें यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजा होगा ना? तुम 3 साल के इस लड़के के लिए क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम डायरेक्टली मुझसे बात कर लेते।